हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, एक और मैं इस वीडियो में एक और लैब दिखाने वाला हूं आपको डायग्नोस्टिक सेटिंग्स के ऊपर, और मैं ये दिखाने वाला हूं आपको वर्चुअल मशीन के ऊपर। ओके, बट वो वीडियो दिखाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि डायग्नोस्टिक सेटिंग्स जो है आप इंडिविजुअल रिसोर्स के ऊपर भी जाके कॉन्फिगर कर सकते हो। अभी मैं आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे और रिसोर्सेज में जाता हूँ और मेरे पास फिलहाल इतने रिसोर्सेज बने हुए हैं। तो चलो, मैं ये वेब ऐप बना हुआ है तो मैं इसके ऊपर वेब ऐप के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मॉनिटरिंग करके, इसके नीचे एक आ रहा है डायग्नोस्टिक सेटिंग्स। तो आप गाइस यहाँ पर भी जाके ऐड डायग्नोस्टिक सेटिंग कॉन्फिगर करेंगे तो यहाँ पर फिर अलग अलग मैट्रिक आएगा, अलग अलग कैटेगरी आएगी। ओके, अभी हमने पिछली वीडियो में एक्टिविटी लॉक किया था तो सारे उसके जो कैटेगरी थी वो अलग थी। ये ऐप सर्विस है तो इसका कैटेगरी अलग है, बट डेस्टिनेशन आप देख रहे हैं कि सेम है। ओके, उसी तरह अगर मैं स्टोरेज अकाउंट के ऊपर जाता हूँ और मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मुझे डायग्नोस्टिक सेटिंग्स आ रहा है। तो इसके डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में जो है इसके अलग है। अगर मैं इस पे जाता हूँ, ऐड डायग्नोस्टिक सेटिंग्स पे जाता हूँ, तो इसकी कैटेगरी अलग है। तो हर एक रिसोर्स का अलग अलग कैटेगरी होगा, बट डेस्टिनेशन आपका सेम रहेगा। ओके, दूसरा एक पॉइंट और फिर से बता देना चाहता हूँ। मान लो ये आपका एक स्टोरेज अकाउंट है और डायग्नोस्टिक सेटिंग यहाँ पर आपको प्रीव्यू मोड में दिख रहा है। तो प्रीव्यू मोड का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ये अंडर डेवलपमेंट है। अगर प्रीव्यू मोड पे जो फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने प्रीव्यू करके दिया है, अगर आप उसको यूज करते हो और इनकेस कुछ इश्यू होता है, आप प्रीव्यू मोड आपने इनेबल किया और कुछ इश्यू होता है और आप माइक्रोसॉफ्ट में केस रेस करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट गारंटी नहीं देगा इसका कि वो 100% सॉल्व करके देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रीव्यू लिखा है और माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से प्रीव्यू का मतलब होता है अंडर डेवलपमेंट। ओके, हो सकता है कि उनको वो जो प्रॉब्लम आपको आया है उस आपने प्रीव्यू में फीचर इनेबल करने के बाद आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट उसको सॉल्व ना कर पाए या बहुत टाइम लगे, हो सकता है उन्होंने वो अभी टेस्टिंग ही ना करी हो अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। ओके, तो इसीलिए गाइस मेक श्योर करना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में प्रीव्यू मोड कभी भी वो मत करना, इनेबल मत करना जब तक आप माइक्रोसॉफ्ट से कंफर्मेशन ना लो। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंफर्म करता है कि हाँ आप यूज कर सकते हो, देन इट्स फाइन। अगर माइक्रोसॉफ्ट बोलता है सर ये अंडर डेवलपमेंट है, आप इसको यूज मत करो, तो बिल्कुल भी यूज मत करना। ओके, बट मैं जस्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि इंडिविजुअल रिसोर्स लेवल पे भी आप जाके इसको इनेबल कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपने लैब के ऊपर। तो मैं वर्चुअल मशीन के ऊपर दिखाने वाला था आपको, तो मैंने दो वर्चुअल मशीन बनाया है, एक विंडोज का और एक लिनक्स का। ओके, दोनों के रिसोर्स पे जाता हूँ, मैं गो टू रिसोर्स पे करता हूँ, लिनक्स पे भी गो टू रिसोर्स पे जाता हूँ। ओके, वापस से विंडोज पे आता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं नीचे आता हूँ तो देखो मॉनिटरिंग में यहाँ पर मुझे डायग्नोस्टिक सेटिंग दिखा रहा है, अब इसके आगे मुझे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये फीचर वर्चुअल मशीन के लिए लाइव कर दिया है, लेकिन जो फीचर जो रिसोर्स मैंने आपको पीछे दिखाया था ऐप सर्विस या फिर स्टोरेज अकाउंट, उनके लिए उन्होंने डायग्नोस्टिक सेटिंग अभी प्रीव्यू में रखा है, यानी अंडर डेवलपमेंट में है उन रिसोर्सेज के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं डायग्नोस्टिक पे जाता हूँ और ये विंडोज का वर्चुअल मशीन है, तो यहाँ पर बोलता है कि आपका जो भी है डायग्नोस्टिक सेटिंग्स आप ये इनेबल कर दो। अब गाइस जो वर्चुअल मशीन्स है उनके लिए जो डायग्नोस्टिक सेटिंग्स है वो आपका जाता है स्टोरेज अकाउंट के ऊपर, ना कि इवेंट हब के ऊपर, ना ही आपका लॉग नेटिंग वर्कस्पेस के ऊपर। जब आप वर्चुअल मशीन के अंदर से डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल करेंगे तो आपका वो जाएगा स्टोरेज अकाउंट के अंदर, इसीलिए यहाँ पर आपको बोलता है स्टोरेज अकाउंट नया बनाओ, या तो अगर ऑलरेडी है तो उसको यहाँ से सेलेक्ट करो। तो फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं करता हूँ इनेबल गेस्ट लेवल मॉनिटरिंग। ये जो डायग्नोस्टिक सेटिंग है ये आपका बूट डायग्नोस्टिक जो मैंने विंडोज वर्चुअल मशीन के वीडियोस में बताया है वो भी लॉक्स कलेक्ट करता है, और आपको प्लेटफॉर्म लेवल पे अगर आपको कलेक्ट करना है डेटा तो आपको इनेबल गेस्ट लेवल मॉनिटरिंग करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर करता हूँ इनेबल गेस्ट लेवल मॉनिटरिंग, और सेम लिनक्स वीएम के लिए भी मैं सेम प्रोसेस करता हूँ। डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इनेबल गेस्ट लेवल मॉनिटरिंग करता हूँ। ओके, यहाँ पर कुछ स्टोरेज अकाउंट दे नहीं रहा है। ओके, ये स्टोरेज अकाउंट पूछ रहा है, जैसे कि मैंने बोला स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए, बट एनीवेज एक स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर हमारा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे यही स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर मैप करते हैं। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इनेबल होने में, अपन वेट करते हैं तब तक। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा विंडोज वर्चुअल मशीन पे अभी भी जो गेस्ट लेवल मॉनिटरिंग है, डायग्नोस्टिक सेटिंग्स जो है वो इनेबल हो रहा है। ये बैकएंड में क्या कर रहा है, ये एक नया स्टोरेज अकाउंट बनाएगा, उसको कॉन्फिगर करेगा और उसमें इनेबल करेगा।
अब एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो विंडोज वर्चुअल मशीन है या फिर लिनक्स का वर्चुअल मशीन है, जब हम इनेबल गेस्ट लेवल मॉनिटरिंग करेंगे तो एग्जैक्टली करेगा क्या, ये क्या करेगा, ये इन दोनों वर्चुअल मशीन में आपका जो है एक एजेंट इंस्टॉल करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉगनेटिक वर्क स्पेस के लिए अगर आप वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करते हो तो उनके वर्चुअल मशीन में एक एक्सटेंशन ऐड कर देता है और साथ ही साथ एक माइक्रोसॉफ्ट मॉनिटरिंग एजेंट करके एक एजेंट इंस्टॉल कर देता है। ओके, सिमिलरली जब आप वर्चुअल मशीन के ऊपर डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल करते हो तो ये इनेबल करने के टाइम पे क्या करता है, आपके विंडोज वर्चुअल मशीन या जो भी वर्चुअल मशीन है उसके अंदर एक एजेंट इंस्टॉल करेगा, ताकि वो एजेंट क्या करेगा, फिर आपका जो है कम्युनिकेट सारी की सारी वर्चुअल मशीन में जो भी आपका मेमोरीज है, आई मीन मेमोरी है, सीपीयू यूटिलाइजेशन सीपीयू का है, या फिर जो भी मैट्रिक है, काउंटर्स बोल सकते हो आप, परफॉर्मेंस काउंटर, वो काउंटर्स आपका कलेक्ट करेगा। तो वो काम किसका, एजेंट का काम है, और उसको भेजेगा कहाँ, वो स्टोरेज अकाउंट के अंदर। ओके, तो अब ये आपका विंडोज वर्चुअल मशीन के अंदर तो ये आपका डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल हो चुका है। अब वर्चुअल मशीन के अंदर डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल करने का रीजन क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि प्लेटफॉर्म लॉग्स आप इसमें कलेक्ट कर सकते हो, आपको एनालाइज करना है, ट्रबल शूट करना है, या कुछ भी करना है। ओके, लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वर्चुअल मशीन के ऊपर। ओवरव्यू में जाता हूँ, मॉनिटरिंग सेक्शन में जाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ना आप देख रहे होंगे कि मेरे को जो मैट्रिक आ रहा है वो फिलहाल सीपीयू का आ रहा है, नेटवर्क का आ रहा है, डिस्क का आ रहा है, डिस्क से रिलेटेड आ रहा है। ओके, बट मेरे पास कोई मैट्रिक ना इससे रिलेटेड नहीं है, मेमोरी से रिलेटेड मैट्रिक नहीं है। मैं आपको नीचे आके दिखा देता हूँ एक बार, मॉनिटरिंग में आता हूँ, मैट्रिक्स में आता हूँ। अब यहाँ पर जो मैट्रिक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास कोई भी ना यहाँ पर मेमोरी का मैट्रिक नहीं है, यानी कि मेरे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क का है और सीपीयू का है, नेटवर्क का है, ये सब चीजें मेरे पास मैट्रिक्स हैं, लेकिन मेरे पास मेमोरी का मैट्रिक नहीं है। यानी कि ओवरव्यू में अगर मैं जाता हूँ, इसका जो साइज है अभी 2V CPU 8 GB RAM है। CPU का तो मेरे पास मैट्रिक मिल रहा है कि यूटिलाइजेशन कितना है, क्या यूज हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, राइट। लेकिन दोस्तों मेमोरी कितना यूटिलाइज हो रहा है, मेरे पास मेमोरी का कोई भी यहाँ पर मैट्रिक अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि मेमोरी का भी आपको मैट्रिक मिले तो उसके लिए हमने क्या किया, डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल किया है। यानी कि फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आपको फिर से बता रहा हूँ कि डायग्नोस्टिक सेटिंग का मतलब होता है कि एक मोर डिटेल में आपको लॉग्स या इवेंट्स प्रोवाइड करना, ताकि आप उस रिसोर्स के ऊपर कुछ भी इश्यू आता है तो आप ट्रबल शूट कर सको। जैसे अगर आपके इस वर्चुअल मशीन में कुछ इश्यू आ गया और जो कि है मेमोरी से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, अगर आपने डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल नहीं किया तो आप देखोगे अरे मैट्रिक में इसका यूटिलाइजेशन देखोगे, बट यूटिलाइजेशन देखने के लिए आपके पास मैट्रिक तो अवेलेबल रहना चाहिए मेमोरी का, जबकि मैट्रिक मेमोरी का कोई भी मैट्रिक जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल किया है। अब ये जैसे विंडोज का वर्चुअल मशीन है, तो इसमें जब मैंने मैट्रिक डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल किया तो देखो यहाँ पर मुझे बोलता है परफॉर्मेंस काउंटर्स। अब ये तीन चार टाइप के जो है इसमें परफॉर्मेंस काउंटर्स का डेटा या इवेंट्स या लॉग कलेक्ट करेगा। दूसरा, ये तो ओवरव्यू हो गया, परफॉर्मेंस काउंटर्स के टैब में जाएंगे तो ये देखो इतने सारे परफॉर्मेंस काउंटर्स आप विंडोज वर्चुअल मशीन का कलेक्ट कर सकते हो। इसमें आप ASP.NET का भी कर सकते हो, SQL सर्वर का भी कर सकते हो, अगर आपने ये दोनों चीजें इस वर्चुअल मशीन के अंदर कॉन्फ़िगर करी है तो आप इसको सेलेक्ट करो, अदरवाइज अनसेलेक्ट करने दो, अनसेलेक्ट रहने दो, क्योंकि हमने तो इन दोनों अभी इंस्टॉल नहीं किया है। ओके, बट बेसिक लेवल पे CPU का, मेमोरी का, डिस्क का और नेटवर्क का परफॉर्मेंस काउंटर वो कलेक्ट करेगा। कस्टम में जाओगे तो कस्टम में ये देखो सारे के सारे प्रोसेसेस आ गए, सिस्टम्स आ गए। सेकेंड पेज में जाता हूँ तो देखो मेमोरी का भी आ गया यहाँ पर, कि अवेलेबल बाइट क्या है, कमिटेड बाइट क्या है, कमिटेड बाइट्स इन यूज क्या है, पूल पेज बाइट्स क्या है, तो देखो सारे के सारे जो है यहाँ पर आ गए। तो गाइज ये एक बेनिफिट है डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल करने का, कि जो चीज आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है वो आप डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल करके आप इवेंट्स या लॉग्स कलेक्ट कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में आपके काम आए ट्रबल शूट करने के लिए। ओके, उसी तरह विंडोज के VM में लॉग्स। अब लॉग्स में क्या है कि आपका कौन सा लॉग्स चाहिए, एप्लीकेशन लॉग चाहिए, सिस्टम लॉग चाहिए या सिक्योरिटी लॉग चाहिए। तो गाइज अगर आपको याद होगा तो आपने जब विंडोज वर्चुअल मशीन के अंदर आप लॉग इन करते हो और इवेंट व्यूअर खोलते हो तो वहां पर आपको इस सारे के सारे लॉग्स दिखते हैं, राइट। तो आप डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल करने के बाद आप ये सारे के सारे लॉग्स यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ओके, आप क्रैश डम भी इसको इनेबल कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, आप इनेबल कर सकते हो।
यहाँ पर जो है आप Azure Monitor, ये भी प्रीव्यू में है यानी कि अंडर डेवलपमेंट में है। दूसरा एप्लीकेशन इनसाइट, आप जो है जो भी डायग्नोस्टिक डेटा है, जो भी लॉग्स कलेक्ट करें, आप उसको डायरेक्टली एप्लीकेशन इनसाइट में भी सेंड कर सकते हो ताकि आप उसके बेस पर अलर्ट अलर्ट जनरेट कर सको। अभी एग्जांपल एप्लीकेशन इनसाइट का मैं आने वाले भविष्य में फ्यूचर में जरूर वीडियो बनाऊंगा, बट एप्लीकेशन इनसाइट का मतलब क्या होता है कि आपका जो है एप्लीकेशन से रिलेटेड, अगर आपने कोई एप्लीकेशन कॉन्फिगर किया होगा तो उसको उसका भी डेटा आप इनेबल कर सकते हो, एप्लीकेशन इनसाइट में सेंड कर सकते हो और वहां से अलर्ट जनरेट करा सकते हो। एजेंट, एजेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया जब आप डायरेक्ट सेटिंग इनेबल करते हो तो ये क्या करता है, बैकएंड में उस वर्चुअल मशीन के अंदर एक एजेंट इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आपको एजेंट के लॉग्स भी आपको कलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है कि जो एजेंट इसमें इंस्टॉल हुआ है डायग्नोस्टिक लॉग्स कलेक्ट करने के लिए, वो एजेंट का भी लॉग्स यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो कि इनकेस अगर एजेंट में ही कुछ इश्यू है कि वो डेटा सेंड नहीं कर पा रहा है स्टोरेज अकाउंट के अंदर, तो वो एजेंट को भी आप ट्रबल शूट कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं अपने लिनक्स वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश मार लेता हूँ, ये मैं डायग्नोस्टिक सेटिंग में आया। अब देखो यहाँ पर पिक स्टोरेज अकाउंट, मेरा स्टोरेज अकाउंट आ चुका है क्योंकि मैंने स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर विंडोज के वर्चुअल मशीन में इनेबल करने के टाइम पे बन चुका था। ओके, अब मैं यहाँ पर भी इनेबल गेस्ट लेवल मॉनिटरिंग करता हूँ। तो इनेबल गेस्ट लेवल मॉनिटरिंग जब ये होगा तो इसके लिए करीबन 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा, लेकिन इसके जो मैट्रिक्स हैं, इसके जो ऑप्शन है वो अलग है। आप देख रहे हैं ऊपर मैट्रिक करके आ रहा है, सिस लॉग करके आ रहा है और एजेंट जो कि कॉमन है, जबकि विंडोज वर्चुअल मशीन में आपको परफॉर्मेंस काउंटर्स रहता है, लॉग्स रहता है, क्रैश डंप्स रहता है। और लॉग्स में आप नीचे आके देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको देखो आईएस के लॉग्स भी आप कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने इस विंडोज वर्चुअल मशीन के अंदर आईएस इंस्टॉल किया है तो उसके भी लॉग्स आप कलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसमें कोई आईएस इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो गाइज जब तक लिनक्स मशीन में ये इनेबल होता है, हमारा विंडोज तो कम्प्लीट हो चुका है। अब जैसे कि मैंने बोला इसमें वर्चुअल मशीन में जब आप डायग्नोस्टिक लॉग इनेबल करोगे तो वो आपके स्टोरेज अकाउंट में जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर। तो मैं स्टोरेज अकाउंट में गया और मेरा स्टोरेज अकाउंट कौन सा था, आरजी संदीप वाला। ओके, इस पे जाता हूं, यहां पर जाके मैं जाता हूं टेबल्स के अंदर। तो ये देखो टेबल्स के अंदर आप देख रहे हो इतने सारे टेबल्स आ गए, परफॉर्मेंस काउंटर टेबल आ गया, विंडोज इवेंट लॉग टेबल आ गया, ये आ गया। अब ये तो एक फाइल बनी है, ये एक डेटा बना है, लेकिन इनके अंदर भी जो है आपके सारे के सारे लॉग्स हैं। तो उसको कैसे देखना है आपको, स्टोरेज एक्सप्लोरर से। तो स्टोरेज एक्सप्लोरर या तो आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, वैसा भी कर सकते हो, नहीं तो स्टोरेज अकाउंट में यहाँ पर एक एडिशनल फीचर ऐड किया है जो कि प्रीव्यू मोड में है, स्टोरेज एक्सप्लोरर। मैं स्टोरेज एक्सप्लोरर पे जाता हूँ। अगर आपने स्टोरेज का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, मैंने ऑलरेडी उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके रखा है स्टोरेज अकाउंट के बारे में। ओके, अब मैं यहां पर जाता हूं टेबल्स में। तो ये देखो मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूं, एडजस्ट कर देता हूं। तो ये देखो यहां पर देखो टेबल्स में लिनक्स सिसलॉग्स आ गया। लिनक्स सिसलॉग्स लिए क्योंकि बैकएंड में यहां पर लिनक्स का भी देखो मेरा डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल हो गया है। तो यहां पर सेम मैट्रिक्स आप चूज कर सकते हो, लिनक्स के अलग मैट्रिक्स होंगे तो वो आप चूज कर सकते हो, कस्टम में वो सारे के सारे जो भी हैं वो सब लॉग्स इसमें आ जाएंगे। सिसलॉग सिस्टम लॉग्स आप कलेक्ट कर सकते हो और सेम एजेंट का। ओके, अब मैं जाता हूँ स्टोरेज एक्सप्लोरर के ऊपर, यहाँ पर लिनक्स सिसलॉग्स में जाऊंगा। तो देखो लिनक्स के सारे लॉग्स यहाँ पर आ गए। देखो ये देख रहे हो आप, होस्ट दिख रहा है मुझे लिनक्स वीएम, ये इग्नोर का जो हेडिंग है इसमें सिसलॉग्स है और मैसेज क्या है कि क्या स्टॉप हुआ, स्टार्टेड क्या हुआ और स्टॉपिंग क्या हो रहा है, ये सब लॉग्स दिख रहा है आपको। डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉग्स में आप ये देख सकते हो कि क्या है। ओके, फिर ये जो अलग मैट्रिक का है इसमें आप देख सकते हो, राइट हैंड साइड में आओगे तो देखो आपको दिखेगा, ये देखो लॉजिकल डिस्क, मतलब ये लिनक्स का सॉरी विंडोज का आपका नेटवर्क इंटरफेस। मेमोरी देखो यहां पर मुझे जो है मेमोरी के भी लॉग्स दिख गए। तो गाइज ये इसका बेनिफिट है डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल करने पे कि वर्चुअल मशीन में हमें कोई मैट्रिक तो नहीं दिख रहा था मेमोरी का, लेकिन डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल करने के बाद हमें मेमोरी का भी अपने को लॉग्स दिखने लग गए यहाँ पर। ओके, दूसरा जो टेबल है उसमें भी जाके देख लेते हैं क्या है। इसमें भी देखो आपके सारे के सारे लॉग्स आ गए, ये देखो इसमें आपके लिनक्स के लॉग्स आ गए, ये देखो सारे के सारे, ये देखो लिनक्स के हैं, फॉरवर्ड स्लैश बिल्ट इन, ये सब आपके लिनक्स के लॉग्स हैं।
ये देखो इसमें भी लिनक्स में भी जो है, इसमें देखो मेमोरी का आ गया, ये विंडोज का है। तो आप इस तरह से डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल करके आप जो चीज आपको वहां नहीं मिल रही है वो डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल करने के बाद आप वो इवेंट्स को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ताकि आपको ट्रबल शूटिंग में हेल्प हो। ओके तो गाइज ये था डायग्नोस्टिक सेटिंग के ऊपर एक और वीडियो जो मैंने वर्चुअल मशीन के ऊपर बनाया है, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो भी अभी तक के वीडियोस बनाए हैं मैंने कोशिश करी आप लोगों को अच्छे से समझाने की। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही मैं आप वीडियो देखते हो तो इमीडिएटली प्रैक्टिस करो, उसको समझो, नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके तो ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।